आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड की मशहूर सिंगर रेशमा शाह ने उत्तराखंड प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वे बड़ी प्रशंसा के साथ व बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रही है कि महासु देवता की कृपा और आप सबके प्यार व आशीर्वाद से भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा उन्हें बुधवार को दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय पुरस्कार जो आज उत्तराखंड में मेरे को अगर मिला है उत्तराखंड के नाम से, मुझे लगता है सर पहली बार ही किसी फीमेल को मिला है। तो मैंने कहा कि ये मान सम्मान मेरे उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरे उत्तराखंड की माँ बहनों के लिए है और उत्तराखंड के लोगों के लिए जिन्होंने रेशमा शाह को बनाया जी, जो मेरे गीत को और मेरी जो बोली भाषा को जो सुनते हैं, ये सम्मान उनके लिए भी है। जी जी बिल्कुल, मैं क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सारी गरीबी देखी और गरीबी के साथ मैंने संघर्ष बहुत किया है। मेरी शादी, आज मीडिया को कहना चाहूँगी, मेरी शादी 13 साल में हो गई थी और बहुत ही गरीब फैमिली में हुई और जहाँ इस चीज़ को लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मेरी जो ससुराल था, मेरी जो समाज था, उस समाज ने बहुत उस समय बहुत टॉर्चर करते थे। तो जब मैं 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 13 साल की शादी में जब मैं ससुराल आई तो मैं उस फील्ड की थी, मैं स्कूल के टाइम से बहुत खेल कूद में और संगीत में मैं बहुत ज़्यादा आगे, रामलीलाओं के मंच में मैंने गीत भी गाए थे तब, चटकारा नंबर एक बहुत हिट रही थी वो कैसेट। लेकिन दुर्भाग्य था कि जैसे मैं 98 में मैं गाया मैंने उसको और जब मैं 13 साल की हुई तो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ एक्सपायर हो गई और ढोकरे जो लिखी होगी, तो जब माँ एक्सपायर हो गई 13 साल में तो मेरी फैमिली, मेरे समाज ने मेरी 3 महीने बाद मेरी शादी कर दी और शादी उस जगह हुई जहाँ इस चीज़ को समाज भी मुझे नहीं इसको पसंद करते थे। तो मैं 8 साल तक मैंने ये दुनिया भूल गई थी कि मैं कभी संगीत से भी प्यार करती थी और मैंने जब शादी हुई तो बहुत सारी गरीबी मैंने वहाँ झेली है कि मैंने कभी एक टॉयलेट नहीं देखा जहाँ मैं किराए में रहती थी, वहाँ मुझे मेरी मकान मालिक ने कभी पानी भी मैंने ढंग से नहीं पिया होगा। तो वहाँ से संघर्ष कर करके मैंने अपने बच्चे भी पाले हैं और फिर भगवान का बड़ा आशीर्वाद मिला और मुझे ऐसे ही जिन्होंने मेरे गीत को सुना, मेरी आवाज़ को, वो लोग मुझे वापस लेके आए और फिर जब मैंने यहाँ देहरादून में परेड ग्राउंड में मैं किसी के साथ कोरस में गाने के लिए आई, मुझे किसी ने लाया तो वहाँ हमारे उत्तराखंड की जो डायरेक्टर है बीना भट्ट जी, तो उन्होंने कहा कि कोई अगर जौनसार की, कोई यहाँ सब गढ़वाली गा रहे, अगर कोई वहाँ की है तो आप उनसे गवा दें। तो जब मेरे को कहा कि हमारे मैं गुरु कहूँगी, बड़े बलराम नेगी जी ने कहा कि यहाँ एक रेशमा शाह जी आई हैं, उनसे गवा देते, तो मैंने एक ऐसा गीत गा दिया वहाँ जो जितने हमारे बड़े बड़े सिंगर थे वहाँ। और अब तब तो कोई, जब आदमी बड़ा बनता है कुछ लोग ऐसे कि नहीं, अब छोटों को नहीं पहचानते हम लोग, तो जैसे मैंने गाया तो मैडम को और जो वहाँ लोग चीफ गेस्ट बैठे थे, हमारे मंत्री लोग, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत पसंद कर दिया। तो मैं पीछे आ गई गा के ग्रीन रूम में, और जब मैं ग्रीन रूम में आई तो मैडम पीछे से आ गई, उन्होंने एक गमला लाया मेरे लिए कि एक लड़की थी कोई जिन्होंने अभी जौनसारी गाना गाया है। तो मैं खड़े उठ के चले गए, मैंने अपना ही वेशभूषा पहना था जो मेरी यहाँ हमारी पहाड़ी पहना हुआ है, मैंने बोला मैंने गाया कि बेटा मुझे बहुत पसंद आया आपकी आवाज़ और आपका जो ये पहना हुआ है, ये मेरे तरफ से आपको एक गमला उन्होंने मुझे दिया है और 15,000 का मेरे हाथ में चेक दिया। बस वहीं से मैंने जैसा भी किया उसके बाद सबका मुझे प्यार मिला, मैं कैसेटों पे गाती रही। लेकिन मैं ये कहती हूँ आने वाले टाइम की, अगर मुझे सरकार का, आप सबका अगर सहयोग मिले तो मेरी जैसी बेटियाँ पता नहीं कितनी है जिनके अरमान टूट जाते होंगे। पर एक और भी कहना चाहती हूँ मैं सभी बहनों से कि हौसला कभी कम ना करो, अगर इंसान हौसला अगर अपने मन में रखे ठाने की कुछ करना है तो ज़रूर मंजिल मिलती है।